नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं HTC Desire 820G की अनबॉक्सिंग, जो कि है HTC Desire 820G Plus। दोस्तों ये एक 3G फ़ोन है, तो फिलहाल मुझे पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं इसकी, क्योंकि 3G फ़ोन की अनबॉक्सिंग आज के ज़माने में मैं कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि डिसलाइक मिलेगी। तो लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप मत कीजिएगा, लेकिन आपकी मर्जी है, आप व्यूवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें आपको एंड्रॉयड मिल जाएगा, जो कि है CPU है इसका 1.7 GHz का, MediaTek का प्रोसेसर है MT6592। तो ड्यूल सिम इसमें आपको मिल जाएगी, 16GB रैम है और 1GB की इंटरनल मेमोरी आपको इसमें मिल जाएगी। कैमरे की बात करूँ तो 13 MP का कैमरा है और 8 MP का फ्रंट कैमरा है। वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ मिल जाएगा, NFC आपको नहीं मिलने वाला, USB, OTG सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाली है। 2600 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी और 3G फ़ोन है ये। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि फ़ोन कैसी है लुक। लुक की बात करें तो HTC ने काफ़ी अच्छी लुक दी गई है, आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी लुक है, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। लेकिन दोस्तों जो HTC के दीवाने हैं उनके लिए तो और भी अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको एक चार्जर मिल जाएगा, एक मिल जाएगी USB केबल और साथ में मिल जाएगा हेडफोन, जो कि नॉर्मल हेडफोन है। HTC के सभी फ़ोनों के साथ एक जैसे हेडफोन्स आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बता देता हूँ। आपको फ्रंट में दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा एक 8 MP का कैमरा, साथ में है यहाँ पे स्पीकर्स और एक स्पीकर है नीचे, तो आपको ड्यूल स्पीकर इसमें आपको मिलने वाले हैं। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइक्रो USB पोर्ट, जो कि है चार्जिंग के लिए। इस साइड की बात करूँ तो आपको मिलने वाला है एक पावर ऑन का बटन और वॉल्यूम अप डाउन के रोकर्स। ऊपर की बात करें तो 3.5 mm का जैक है और साथ में एक माइक है जो नॉइस कैंसिलेशन के लिए है। सिम ट्रे की बात करूं तो इसे हम ओपन करके मैं दिखा देता हूं, आप दोनों सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल पाएंगे इसमें। तो दोस्तों इसमें आपको 2600 mAh की बैटरी मिलने वाली है। उसके बाद बैक कैमरे की बात करूं तो आपको 13 MP का बैक कैमरा मिल जाएगा, साथ में है LED फ्लैश लाइट। लेकिन दोस्तों इसमें मैं इसलिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में HTC के फोन की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको ये एक अच्छे और सस्ते प्राइस में आपको ये फोन मिल जाए। 3G ले लो या 4G ले लो तो आपको एक अच्छे फ़ोन एक लो प्राइस में मिल जाएंगे। लेकिन अगर HTC के दीवानों की बात करूँ तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो HTC का फ़ोन ही लेना पसंद करते हैं, उन्होंने शुरू से चलाया ही HTC का फ़ोन है। वेट की बात करूँ तो इस फ़ोन का वेट काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पकड़ने में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। लेकिन दोस्तों कहने की बात तो है, लेकिन ये एक 4G फ़ोन नहीं है। तो उसके बाद बात करूँ इसके, काफ़ी स्लिम फ़ोन है, काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी ग्लॉसी ब्लैक दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है। तो चलिए इसे हम ऊपर से साइड से हटा देते हैं। तो इसकी स्क्रीन की बात करूँ तो आपको 5 इंच की एक डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि एक अच्छी खासी डिस्प्ले है। डिस्प्ले की बात करूँ तो एक ठीक ठाक डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। ये मैंने इसे ऑन कर दिया है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें आपको कैसा कैमरा मिलने वाला है और सॉफ्टवेयर इसमें कौन सा है। फिलहाल अपडेट की बात करूं तो काफ़ी बुरी अपडेट है HTC की, तो इसमें इस हिसाब से इसमें आपको 5.0 तो मिल ही जाएगा, लेकिन अपडेट आने की मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि HTC की अपडेट आना तो भूल ही जाइए आप। तो चलिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो प्रोसेसिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन MediaTek का प्रोसेसर है। चलिए मैं इसमें अबाउट में आपको जाके दिखा देता हूँ कि आपको कौन सा मिलने वाला है सॉफ्टवेयर, और 4.4.2 दोस्तों मिलने वाला है, लेकिन 5.0 की इसमें अपडेट आ गई है तो आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने अभी तक इसे ऑन भी आज ही किया है मेरे ख्याल से। तो मैं आपको इसका कैमरा दिखा देता हूँ, कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो कैमरा क्वालिटी ऑटो फोकस तो फिलहाल भूल ही जाइए आप, लेकिन एक ठीक ठाक ऑटो फोकस भी ये कर रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ऑटो फोकस भी एक ठीक ठाक तरीके से कर रहा है। तो कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो एक अच्छी कैमरा क्वालिटी आपको इसमें मिल जाएगी, आप देख पा रहे होंगे कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में क्या आपको मिलने वाला है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों फ्रंट का कैमरा भी आपको एक अच्छा खासा कैमरा, आप देख पा रहे होंगे कि एक अच्छा खासा कैमरा इसमें आपको मिल जाएगा। तो कैमरे की बात करूं तो मैं सेटिस्फाई हूं इससे, क्योंकि 3G फ़ोन है तो काफ़ी पुराना फ़ोन है, तो कैमरा क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। तो उसके बाद आप हैंगिंग की प्रॉब्लम की बात करें तो दोस्तों MediaTek का प्रोसेसर है, लेकिन हैंगिंग की प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं मिलने वाली है क्योंकि HTC के ज़्यादातर फ़ोन हैंग नहीं होते हैं। लेकिन इसमें आपको फ़ीचर भी एक लिमिटेड फ़ीचर मिलने वाला है, एक लिमिटेड फ़ोन है तो इसीलिए कई लोग इसे पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ।
लेकिन ये आपको काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाएगा क्योंकि 3G फ़ोन है। आपको ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे दाम में ये फ़ोन मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल की नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए। तो आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए हमारे लिए।